क्या कारण है कि शिक्षा का निजीकरण ये कर रहे हैं? सरकार पर्दे के पीछे पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठेकों पर देना चाहती है और सारे गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट क्रेडिट में करने जा रही है। ये उनकी चाल है। जब स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को पब्लिक के विरोध में करेंगे तो उसका विरोध ज़्यादा होगा। इसको धीरे धीरे ख़त्म किया जाए, पूरे स्कूलों को ख़त्म करके और उसका निजीकरण कर दिया जाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है। सर, एक उम्मीद होती है कि जब हम रिटायर होके आएंगे, या परिवार को एक उम्मीद होती है कि जब हमारे पिताजी रिटायर होके आएंगे घर के अंदर कुछ मिलेगा, तो आप लोगों के साथ में इस तरीके का जो रिटायरमेंट पे ये सरकारें क्या देती है? रिटायरमेंट के समय हमें मान सम्मान तक सरकार नहीं दे पाती है। हम एक वो शिक्षक हैं जो पूरे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। आज जो मामा बने हैं, जो नाना बने हैं, जितनी भी भारत में जो कुछ बने हैं, IAS लोग भी बैठे हैं, सारे लोग इन्हीं गुरुओं से निकल के बने हैं और उन्हीं गुरुओं के साथ ठीक उल्टा व्यवहार किया जा रहा है आज के समय में, कि उन गुरुओं का सम्मान तक नहीं कर पा रहे हैं और उधर सबको साथ सबका विकास लेने की बात भी करते हैं। ये आज की सरकारों का इतिहास बता रहा है। सर, आप ही बताया कि 93 से आप शिक्षक अध्यापक हैं, तो आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आप इस रोड पर आए? क्यों ये 93 से लेकर आज तक 2017 चल रहा है, तो इस पीरियड के अंदर आपने क्या मांगों को रखा है, क्यों नहीं मांगी गई? हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने सबसे पहले 98 से नहीं, हमें 96 से नियुक्त किया गया। 96 में हमारी जो मापदंड थे वो वही थे जो सहायक शिक्षकों के हैं, लेकिन हमें एक मानदेय क्रेडर पर रखा गया। 500 से रुपए से लेकर के छुट्टियों के अवकाश का भी वेतन भुगतान नहीं किया जाता था और यहाँ तक कि हमें कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती थी। जब हमने उसके विरोध में आवाज़ उठाई तो सरकार चेती और सरकार के बाद हम कोर्ट में पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बीच में व्यवधान खड़ा करके और पूर्ववर्ती सरकारों से कहा कि आप एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, जो आपका मापदंड है वो गलत है। फिर हम सभी को 2 वर्ष के बाद हटा दिया गया और एक चयन प्रक्रिया बनी। सुप्रीम कोर्ट ने उस चयन प्रक्रिया को पास किया, हमें एक वेतनमान दिया गया। आज जो हमारा वेतनमान उस समय दिया गया था, आज की स्थिति में हमें वही वेतनमान मिलता जो आज एक सहायक शिक्षक को मिल रहा था, हमें वही सुविधाएं मिलती जो आज एक सहायक शिक्षक को मिल रही या नियमित शिक्षक को मिल रही। अध्यापक नाम देकर हमारी सरकार ने हमसे वादा किया कि हम शिक्षा कर्मी मिटाएंगे, आपको फुल टीचर बनाएंगे, फुल सारी सुविधाएं देंगे और आपको विभाग भी देंगे। इस पर हमने आश्वासन होता कर उनसे अपेक्षा रखी और अपेक्षा रखने के साथ साथ उनको नियुक्त किया, गद्दी पर बैठाया। उनने हमारे साथ इतना छलावा किया कि हमारा शिक्षा कर्मी नाम तो बदल लिया लेकिन हमारी जो सीनियरिटी और ग्रेजुएटी है उसको पूरा खा चुके हैं। 9 साल की हमारी सेवाएं और वरिष्ठता को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं, उसको भी ले चुके हैं। वह भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर। बार बार जब कोई लड़ाई लड़ते हैं, एक आदेश के पीछे 4 आदेश सरकार तुरंत लागू कर देती है। छठवां गणना पत्रक दिया, हमें गणना पत्रक में उलझाया कि आप ताकि मूल शिक्षा विभाग की मांग से भटकें। सारे लोगों को 20 साल तक लड़ने के बाद हमारे बाल पक गए लड़ते लड़ते और सरकार झुंझुना पर झुंझुना पकड़ाती जा रही है, वादे पर वादे करती जा रही है और आश्वासन लेती जा रही है। वो बार बार हमसे वोटिंग कराती जा रही है पक्ष में कि अब हम तुमको सहायक शिक्षक बनाने वाले हैं, अब हम तुम्हें ग्रेजुएटी अन सुविधाएं देने वाले हैं। और होता वही है कि निकलता है माइनस में 0। इसलिए सर, जब हमने देखा कि अब तो हम रिटायरमेंट की कगार पे हैं, हमारी 98 से नियुक्ति होकर के अभी 5 साल बचे हैं मेरे को रिटायरमेंट होने के लिए। जब हम रिटायरमेंट होंगे, बच्चे कहेंगे क्या लाए हैं आपके खाते में, तो बहुत पैसा होगा, क्योंकि जब एक शिक्षक नियमित शिक्षक रिटायर्ड होता है तो उसका दाह संस्कार से लेकर के
और उसके पति और बच्चनों को जो योग्यता रखते हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। हमारे लिए कफन के लिए एक टुकड़ा सरकार के पास नहीं है, एक नारियल स्वरूप में, एक तलक स्वरूप में सम्मान भी नहीं है। उस सम्मान की और अधिकार की रक्षा करने के लिए, देश में शिक्षा को बचाने के लिए और सारे अधिकारों को लेने के लिए आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाने आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत ही सम्मेलनशील हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की सरकार को इसमें हस्तक्षेप अवश्य करेंगे और हमें निश्चित ही सुनेंगे, चाहे वो हमको 2 मिनट का भी टाइम देंगे लेकिन हमें सुनेंगे। इस आशा को लेकर के हम जंतर मंतर पर ऐसी विषम परिस्थितियों में 1,000 किलोमीटर दूर से यहाँ सड़कों पर पड़े हैं और हम सम्मान लेके ही लौटेंगे। 3 दिन नहीं 300 दिन बीते, हमें कितना ही तप करना पड़े, अब लौट के हम दिल्ली से जाने वाले नहीं है जब तक प्रधानमंत्री जी हमें हस्तक्षेप करके और हमारे मामा को ये ना कहेंगे कि इनको सुनो, इनकी समस्या को तत्काल करो और आप शिक्षा बचाओ। नहीं तो ये भी तय है कि वो समय चंद दिनों में आने वाला है कि सारी की सारी मतपेटियां हमारे हाथों में ही होना है और हम इन हाथों में रखकर अभी तक ये सरकारें नियुक्त करते रहे इस आशा के साथ कि हमें शिक्षक का दर्जा केवल दिला पाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी दिला पाएंगे, इस उम्मीद के साथ यहाँ उपस्थित हुए। आप